इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IME की जिला इकाई एक बार फिर निःशुल्क OPD शुरू करने जा रही है। रविवार को इसका उद्घाटन CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने किया। CM योगी आदित्यनाथ ने IME के डॉक्टरों को जन सेवा के लिए फ्री OPD संचालित करने को कहा था। करीब 2 साल तक OPD संचालित हुई। मार्च 2020 से कोरोना के कारण OPD का संचालन ठप हो गया था। कोरोना नियंत्रित होने के बाद IME कार्यकारिणी हरकत में आ गई। IME ने इसे 1 फरवरी से शुरू करने का फैसला किया। रविवार को OPD का विधिवत उद्घाटन कराया गया। इसमें IME के सचिव डॉक्टर VN अग्रवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RP शुक्ला, सर्जन डॉक्टर शिव शंकर शाही मौजूद रहे। इस दौरान IME के अध्यक्ष व सचिव ने बताया कि इसमें बाल रोग, गायनी, हड्डी रोग, ENT, नेत्र रोग, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, चेस्ट रोग के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। हर बुधवार को यहां पर टीकाकरण होगा। OPD में मौजूद रहने वाले हर विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IME के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, गोरख प्रांत के अधिकारी है और इसमें हम लोगों के स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर रिया सर हैं, डॉक्टर सुनील गुप्ता सर इनसे आए हुए हैं। इसके बाद तक कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर साहिद जी कहूँगा। पूरा IME परिवार होगा क्या होगा, लेकिन प्रभु की कृपा थी सर का दर्शन मिला और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं आज सर के मुख्य समय हुए हैं। कुछ शपथ पत्र पढ़ना है तो अगर ये और ये 23 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक जो है स्पर्श कुष्ठ मिशन पर ये जागरूकता अभियान चलाना है। ये अपने प्रदेश का आदेश है। इसमें प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये पत्र भेजा गया है और 23 जनवरी को जो महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि पर हम लोग ये जो बनाए तो ये शपथ पत्र हम लोग सभी ले रहे हैं। तो इसलिए मैं इस शपथ पत्र को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। हम सभी गोरखपुर जनपद के जिम्मेदार नागरिक हैं और जिला प्रशासन यह घोषणा करता है कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम अपने जिले के कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सभी कुष्ठ रोगियों को जितनी जल्दी हो सके खोजने के लिए हर समय प्रयास करेंगे। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को कुष्ठ रोगी से प्रभावित व्यक्ति के साथ भेदभाव करने देंगे। हम व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से जुड़े कलंक एवं भेदभाव को समाप्त करने के लिए बापू जी के आदर्शों पर चलेंगे और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूर्ण योगदान करेंगे। इस वर्ष 30 जनवरी 2021 को हम भी महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि को स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के रूप में मना रहे हैं और इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य भारतवर्ष को कुष्ठ रोग से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। जय हिंद, जय भारत। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसी धारणा को समाप्त करना है। मैं IME प्रेसिडेंट और सचिव को धन्यवाद देता हूँ। गोरख प्रांत में टोटल 10 जिले आते हैं, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर, और वह अपना काम खुद करें। ये प्रेरणा हमको ऐसे लोगों से मिली, मेरे भी रोली दीदी बैठी हुई है, इनका एक्सीडेंट तो दोनों पैर गायब हो गया। The leprosy affected people, like the house in the village, the family people are telling this lady
to get out of this leprosy. If you stay with us, we might also get the disease. In all the primary health centers and leprosy hospital run by NGO. Next. Part of multi-drug therapy and availability of multi-drug therapy, the chances of deformities have reduced. मैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव IMA प्रेसिडेंट गोरखपुर. हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को जो है विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस के तौर पर मनाया जाता है. इसमें चूँकि महात्मा गांधी जी की भी की ये पुण्यतिथि 30 जनवरी को होती है, तो 30 जनवरी के आसपास जो है इस कार्यक्रम को यूजुअली रखा जाता है. हम अपने जिस तरह से मेडिसिन्स का विकास हुआ है उस तरह से जो है धीमे धीमे कुष्ठ रोगी अब बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो फिर से पनप, क्योंकि ये एक तरह से छुआछूत की बीमारी जिस तरह से आप कहते हैं वो नहीं है बल्कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है. ठीक है, इसका प्रभाव कई बार बहुत दिनों बाद देखा जाता है, इसलिए हमको अभी सचेत रहना है और इस ऐसे बिहेव करना है कि जिस तरह से जो है कुष्ठ रोग का हिंदुस्तान से निवारण हो सके. इसी तरह की योजना विश्व संगठन स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से भी चल रही है कि विश्व से ये कुष्ठ रोग समाप्त किया जाए. इसी दृष्टिकोण से ये आज का ये कार्यक्रम था जिसका उद्घाटन माननीय जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे जी ने किया और अन्य DLO साहब डॉक्टर नीरज पांडे सभी लोग यहाँ उपस्थित थे इसी कार्यक्रम के को सफल बनाने हेतु.